और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी आपने ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें आप चोर कहके आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ ताम झाम के साथ अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, यह तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप हम हर कोई अपील में जा सकता है, आपको यह अधिकार निचली अदालत ने दिया था और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में, मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम, मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून कहां इस देश के लिए? ये पीछे हटेगा नहीं, लड़ते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और आप खड़े हैं। कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी आपने ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें आप चोर कहके आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ ताम झाम के साथ अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, यह तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप हम हर कोई अपील में जा सकता है, आपको यह अधिकार निचली अदालत ने दिया था और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में, मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम, मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवर्तन कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून कहां इस देश के लिए? ये पीछे हटेगा नहीं, लड़ते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और आप खड़े हैं। कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी आपने ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं
उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें आप चोर कह के आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया। और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, ये तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप हम हर कोई अपील में जा सकता है, आपको ये अधिकार निचली अदालत ने दिया था। और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में? मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम, मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बाहर इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं, लड़ते रहेंगे और खड़े हैं। कुछ भी करना चाहे करे, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी, आपने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें आप चोर कह के आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया, और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, ये तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप हम हर कोई अपील में जा सकता है, आपको ये अधिकार निचली अदालत ने दिया था। और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में? मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम, मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? ने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बाहर इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं, लड़ते रहेंगे और खड़े रहेंगे। कुछ भी करना चाहे करे, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी, आपने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें आप चोर कह के आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया।
और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, ये तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप हम हर कोई अपील में जा सकता है, आपको ये अधिकार निचली अदालत ने दिया था। और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में? मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम, मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून कहां इस देश के लिए? ये पीछे हटेगा नहीं, लड़ते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और आप खड़े हैं। ये कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू।